अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम लिंक्डइन के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एक ऐसा पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम सर्विस पेज बोलते हैं, या किस तरह से हम अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। यानी जब भी कोई क्लाइंट सर्विस वाले पेज पर जाएगा तो वहाँ पर भी हमारा एक पेज बना होगा। आपको पहले दिखा देता हूँ सर्विस पेज होता किस तरह का है और आपकी आईडी पे वो किस तरह शो होगा। चलें यहाँ से जो है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। चलें यहाँ से मैंने ब्राउजर ओपन किया, लेक्चर नंबर 4 है, हाउ टू मेक आवर सर्विसेज पेज ऑफ लिंक्डइन। हम किस तरह से लिंक्डइन पर सर्विस पेज बना सकते हैं। अब हमने सिंपल यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम जो पहले सर्च करते हैं कि लिंक्डइन पर सर्विस पेज किस तरह से शो होता है और उसके बाद हम अपना पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहां से सिंपल अगर आप लिंक्डइन के सर्विस पेज की बात करें, तो आपने सिंपल यहां पे इसकी सर्च हिस्ट्री में जाके क्या लिखना है, SEO। जैसे हमने लिखा आप इसको सर्च कर दें। जैसे मैंने सर्च किया आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब आगे पास पीपल पर जाने की भी ऑप्शन है। अब यहाँ से ना एक ऑप्शन है सर्विसेज की। अब जब क्लाइंट आपका वर्ड सर्च करेगा या कोई भी कीवर्ड जब सर्च करेगा और वो वहाँ से अगर सर्विस लेना चाहे तो यहाँ पे आपका वो सर्विस पेज उसे शो होगा। वो सर्विस पेज हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आज के लेक्चर में हम वही देखने जा रहे हैं। चले हम जो है अपने पुराने अकाउंट यानी उस पर बैक चले जाते हैं और वहाँ से सर्विस पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं अपने दूसरे पेज पर आ गया हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, सर्विस पेज क्रिएट। चलिए मोहम्मद अरसलान इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सर्विस पेज को क्रिएट करके दिखाते हैं। आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें एक लिखा हुआ है कंट्रोल यू सी दिस। इसके बाद हायरिंग का एक ऑप्शन है, आपने इसको आगे थोड़ा सा करेंगे तो एक आपको ऑप्शन शो होगा शो के सर्विसेज, यानी अपनी सर्विसेज को भी शो कर सकते हैं। आपने इस ऑप्शन को गेट स्टार्ट कर देना है। जैसे आप करेंगे ये आपको बताएगा तीन चीज़ें आपने लिखनी है इसमें। आप सिंपल ये देख के आपने इसको क्या कर देना है, कंटिन्यू। अब आपने क्या करना है, ऐड सर्विसेज में अब कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमारी सब फील्ड्स नहीं होंगी, हम मेन फील्ड ऐड कर सकते हैं, यानी आप गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कॉन्टेंट मार्केटिंग का ऑप्शन शायद मिल जाए। चलें कंटेंट स्ट्रेटजी, यानी ये भी आप ऐड कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, यानी टोटल आप यहाँ पे 5 जो है वो ऐड या 7 ऐड कर सकते हैं, बल्कि 7 यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेन 3 से 4 ही ऐड करेंगे। यहाँ से हम ऐड करने के बाद क्या कहते हैं कि डन। अब वो कह रहा है अबाउट, यानी आप इसके बारे में बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने अबाउट कहाँ से लेना है या आप किस तरह का अबाउट लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि लोगों ने किस तरह के अबाउट लिखे हैं उस वजह से, यानी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम अपना अबाउट लिखेंगे। चलें मैं अपनी दूसरी आईडी पे जहाँ पे हमने सर्च किया हुआ था वहाँ से देखते हैं। चलें यहाँ से एक आईडी ओपन करते हैं, जो कि आपको मैं एक आईडी दिखाता हूँ मोहम्मद सुहेब की। ये हमारे टीचर भी हैं जी एसईओ के, माशाल्लाह हमने इनसे एसईओ सीखी है, और इसकी आईडी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना एक सर्विस पेज बनाया हुआ है। चलें यहाँ से देखें इन्होंने भी क्या किया हुआ है जी, अपने सर्विस पेज पे कौन सी स्किल लिखी हुई है। जैसे आई एम सुहेब एसईओ एक्सपर्ट, ब्लॉगर, एसईओ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, प्रोवाइड मंथली, यानी ये सारी चीज़ें आपने अपनी सर्विसेज में क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। चले हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको देख के अपना कोई भी एक अबाउट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम दूसरे पेज पर वापस चलते हैं जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबाउट लिख देते हैं। चले यहाँ पे मैं जो नेम है उसको चेंज कर देता हूँ। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करना चाहें तो लिंक्डइन पे कोई इशू नहीं आता कॉपीराइट का। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं आल्सो, जो मेरे पास स्किल्स हैं वो भी यही हैं, तो मुझे बाकी चीज़ें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो स्टार्ट लिया हुआ है वो 2022 से जो है एसईओ का स्टार्ट लिया हुआ है। चले यहाँ से मैंने क्या करना है, वर्क लोकेशन, आपने वर्क लोकेशन में क्या करना है, रिमोटली कर देना है, यानी आप फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे, हम रिमोट काम करेंगे। अब वो कह रहा है जी आप यूएसडी में कितने आवर रेट हिसाब से चार्ज करेंगे। हम यहाँ पे कह देंगे कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग, यानी प्राइस के लिए आप मेरे से रابطہ करें।
अब अपने लिंक्डइन मेंबर सबको अलो कर देंगे, वो आपकी प्रोफाइल को मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट ही। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा एक अच्छा सा सर्विस पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से पब्लिश करेंगे तो हमारी ये लिंक्डइन की सर्विस पेज की आईडी जो है वो बन जाएगी। अब आप इसको अगर पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। चले यहाँ से हम पोस्ट भी कर देते हैं, एक्साइटेड टू अनाउंस आई एम ओपन फॉर बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन लिंक्डइन। यानी यहाँ पे हमारा सर्विस पेज लिंक्डइन का ओपन हो गया। यहाँ से हम पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। चलें जी, ये हमारा सर्विस पेज आपको किस जगह पे शो होगा वो भी हम देख लेते हैं, और ये सर्विस पेज में हम कौन सी मजीद एडिटिंग कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। चले यहाँ से प्रोवाइडिंग सर्विसेज का एक पेज हमारे पास बन गया है, ये पेज हमारा सर्विस पेज होगा। अब हम इसको शो डिटेल पे क्लिक करते हैं, ये किस तरह से क्लाइंट्स को शो होगा आप भी देख सकते हैं। ये आपका इस तरह से शो होगा, मोहम्मद अरसलान सर्विसेज, उसके बाद आपका अबाउट लिखा होगा। अगर आप इसमें कोई भी सैंपल ऐड करना चाहते हैं या कोई भी आपने जो पहले काम किया है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से सिंपल अपलोड सैंपल पर जाएंगे। अब हमारी फील्ड एसईओ के रेलिवेंट है तो मैं एसईओ का कोई भी एक सैंपल जो मैंने प्रोजेक्ट में ऐड किया था वही यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐड इमेज पे जाऊँगा और अपने लैपटॉप में पड़ी कोई भी इमेज जो है किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यानी सिंपल कोई भी स्क्रीन शॉट आपने अटैच करना है, उससे साथ ही आपने क्या लिख देना है, टाइटल वगैरह। यानी सपोज करें ये क्या लिख देंगे, गूगल फर्स्ट पेज, यानी ये वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक है। यहाँ आप लिख सकते हैं दिस वेबसाइट रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, दिस वेबसाइट रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, ये चीजें आप जो है टाइटल में लिख सकते हैं। या आपने इसको किस तरह से रैंक किया वो भी लिख सकते हैं, आई हैव रैंक दिस डोमेन थ्रू एसईओ, मैंने इस डोमेन को एसईओ के थ्रू रैंक किया। यहां से आप इसको क्या करते हैं, सेव। अब आप एक के अलावा भी कोई इसमें अपनी सैंपल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक ही करना है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डन। अब आपकी सर्विस पेज किस तरह का शो होगा जी, आप इसको भी पोस्ट कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है जी। चलें यहाँ पे इसको पोस्ट कर दें, आपका ये सैंपल भी लोगों को शो हो जाएगा। आपका सर्विस पेज ये इस तरह का शो होगा। अब आपको इस सर्विस पेज की एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ कि जैसे आपने ये सर्विस पेज क्रिएट किया, अब आपके पास 20 ऐसे क्रेडिट्स मिल गए जिससे आप अपने सर्विस पेज को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने इस सर्विस पेज को क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपने सिंपल जाना है जी इनवाइट टू रिव्यू पे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हमारी जो स्किल है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से किसी भी क्लाइंट का नाम लिख लें। चले मैं कोई भी लिखता हूँ आ जाए तो, अभी ये यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा क्योंकि इस आईडी में कोई फ्रेंड ही नहीं है। वैसे आप यहाँ से जो है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे आप सेंड करेंगे तो आपका एक इनवाइट जाया हो जाएगा, यानी एक क्लाइंट को आपका इनवाइट भी जाएगा कि मैंने सर्विस पेज बनाया है और इसकी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ से सर्विस पेज के जो भी आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था कि हम किस तरह से एक अपनी लिंक्डइन आईडी के अंदर सर्विस पेज बना सकते हैं और सर्विस पेज के बेनिफिट्स मैंने बताया। मेरे आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या अगर नहीं भी समझ आया तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।